गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है रेडियन। यहाँ पे आप लोग अभी 160 से भी ज्यादा यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। 15 से ज्यादा इनके पास साइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा इनके पास ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आपको विड्रॉल मिल जाता है एनी टाइम। एंड उसके साथ साथ गाइस आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के लिए गाइस यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी गुड न्यूज यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है एंड अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी फेवरेट फैंटेसी ऐप के बारे में जिसका नाम है विंजो। दोस्तों इस आईपीएल सीजन कौन जीतेगा, कैसा खेलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट गेम कौन बदलेगा, इन सभी बातें सिर्फ अपने दोस्तों से करनी या फिर अपनी क्रिकेट नॉलेज का इस्तेमाल करके विंजो फैंटेसी पे पैसे जीतने हैं। इस आईपीएल विंजो फैंटेसी पे बनाओ अपनी टीम और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड। बिल्कुल सिंपल है, विंजो ऐप डाउनलोड करो और फैंटेसी लीग पे जाकर बनाओ अपनी टीम। अगर डर है टीम में चेंजेस और कौन है इन कौन है आउट, लास्ट मिनट प्लेयर इंजरी, मैच कंडीशन एंड ग्राउंड कंडीशन, ऐसे 50 तरीके टेंशन का, तो विंजो फैंटेसी वॉर पे सपोर्ट करो हमें सब एक्सपर्ट की टीम से और जीतो कैश रिवॉर्ड। इसमें जीतने के चांसेस भी 50% है, बिंदास एक्सपर्ट सिलेक्ट करो और मैच देखो बिना टेंशन के। आपके एक्सपर्ट की टीम जीती तो आप भी जीतोगे। मैच के बाद अपनी विनिंग विड्रॉ करो सीधा पेटीएम बैंक अकाउंट या UPI से डाउनलोड करो विंजो मेरे लिंक से और पाओ ₹50 का कैश बोनस। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज के बारे में। सबसे पहले न्यूज निकल कर आ रही है जॉस हेजलवुड की तरफ से। तो गाइस यहां पे जॉस हेजलवुड की तरफ से गाइस एक अपडेट हम सभी को सामने निकल कर आती हुई नजर आ रही है, जहां पे गाइस जॉस हेजलवुड यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बहुत ही जल्द यहां पे ज्वाइन करने वाले हैं। और आज का मुकाबले की बात करें तो गाइस यहां पे आज का मुकाबला तो जॉस हेजलवुड पूरी तरह से मिस करने वाले हैं एंड साथ में ग्लेन मैक्सवेल भी मिस करने वाले हैं। तो आप सभी को जॉस हेजलवुड बहुत ही जल्द यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले हैं। जॉस हेजलवुड की तरफ से गाइस हम सभी को ये अपडेट सामने निकल कर आती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं हम लोग ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। तो गाइस अभी ग्लेन मैक्सवेल को लेके इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जो अपडेट निकल कर आई थी मैंने आप सभी को बताया था 5 तारीख को गाइस अभी पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएंगे RCB की टीम के लिए एंड 3-4 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को। तो गाइस अभी तक ग्लेन मैक्सवेल को लेकर यही अपडेट है, जहाँ पे 3-4 तारीख को ग्लेन मैक्सवेल पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है RCB के प्रैक्टिस कैंप की सुहस प्रभु देसाई की तरफ से। तो गाइस पे सुहस प्रभु देसाई ने गाइस पे नेट प्रैक्टिस में गाइस पे काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, जहां पे गाइस पे RCB के ऑफिसर ने शेयर करके बताया एंड उसके बाद गाइस यहां पे सुहस प्रभु देसाई का एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया गया, जहां पे आप लोग यहां पे देख सकते हो एंड गाइस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड उसके बाद जहां पे इंटरव्यू लिया गया जहां उन्होंने बात किया कि अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में उनको मौका मिलता है तो गाइस पे अच्छी से अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे एंड जो जगह मिलेगा उस जगह को गाइस पे छोड़ने की बिल्कुल भी गाइस पे कोशिश नहीं करेंगे स्वस्थ प्रभु देसाई एंड उसी जगह पे गाइस वो रहना चाहेंगे। अगर RCB की टीम उनको एक बार मौका देती है तो RCB की टीम के लिए मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, स्वस्थ प्रभु देसाई ने गाइस यहाँ पे RCB की टीम के लिए उन्होंने ऐसा कहा। एंड मैं अगर बात करें स्वस्थ प्रभु देसाई की तो लास्ट ईयर भी गाइस पे टीम के साथ थे एंड उससे लास्ट ईयर भी गाइस वो टीम के साथ थे। तो स्वस्थ प्रभु देसाई काफी साल से गाइस पे RCB की टीम में, लेकिन RCB की टीम ने इनको अभी तक यहाँ पे मौका नहीं दिया है, लेकिन इस साल गाइस पे मौका दे सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, क्योंकि इस साल अगर हम लोग बात करें RCB के स्क्वाड के बारे में तो गाइस पे यंग खिलाड़ी से भरी हुई है RCB की टीम। तो इस साल यहाँ पे स्वस्थ प्रभु देसाई को मौका मिल सकता है और प्रैक्टिस मैच में गाइस इन्होंने 87 रनों की पारी खेली 46 गेंदों में, जो कि आपको पता ही है एंड गाइस पे काफी धमाकेदार इन्होंने पारी खेली थी। तो गाइस पे RCB की टीम भी इनको इस बार मौका देने वाली है IPL 2022 में। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है विराट कोहली की तरफ से। तो फाइनली गाइस विराट कोहली ने गाइस पे आज की प्रैक्टिस उन्होंने यहाँ पे कर लिया है, सुबह की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गाइस पे सुबह की तैयारी जो कि पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने कर लिया है एंड गाइस पे विराट कोहली भी पूरी तरीके से हम सभी को प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं एंड RCB के सभी खिलाड़ी हम सभी को प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं एंड ये आखिरी अपडेट सामने निकल कर आई है आज की। और गाइस पे उसके बाद हम सभी को कुछ ही घंटों के अंदर मैच देखने को मिलने वाली है कोलकाता वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। तो गाइस पे अब यहाँ पे टीम जाने वाली है मैदान पे एंड उसके बाद मैदान पे जाके प्रैक्टिस करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो गाइस यहां पे अगर आपको आज की अपडेट क्विक अपडेट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।